Good morning, my dear students. I am Manoj Yadav, the math teacher of Reward in class 10th. Today's, आज हम स्टार्ट करेंगे substitution method. तो first, find the value of one variable in the terms of other variable from the one equation. यानी हम यहाँ पे दो system of equation given होंगे. First equation से क्या करेंगे हम एक वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, फिर हम क्या करेंगे उस वैल्यू को सेकेंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन अदर इक्वेशन, इट रिड्यूस टू इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वी कैन इजली सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल्स. एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है. तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे. फ्रॉम फर्स्ट हम x फाइंड कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2y. इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट फाइंड किया हमने, इस इक्वेशन को हम सेकेंड में पुट करेंगे, तो फ्रॉम सेकेंड क्या आ जाएगा हमारा 2x plus 3y equal to 5. अब हम x की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं, तो 2 7 minus 2y plus 3y equal to 5. सो सॉल्व करिए क्या आएगा 14 minus 4y plus 3y equal to 5. सो ये हमारा आ जाएगा 14 minus y equal to 5. सो minus y equal to 5 minus 14. So minus y is equal to minus 9. So y हमारा कितना आ गया 9. अब हम क्या करेंगे इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, क्या आ जाएगा x equal to 7 minus 2y. ये हमारा हो जाएगा 7 minus 2 into 9. 7 minus 18. This is equal to minus 11. तो x equal to हमारा आ गया minus 11. ये x equal to minus 11 है और ये y is equal to 9 है. So ये जो method है, दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट पार्ट हमारा है x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 14. ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा. सेकेंड इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 4 सेकेंड. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से हम y निकाल रहे हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो फ्रॉम सेकेंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रॉम सेकेंड x माइनस 4 इक्वल टू 1. इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 4. अब वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 14. अगर x माइनस y ये हमारा फर्स्ट है, x प्लस वाई वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी है x माइनस 4 इक्वल टू 14. दिया जाएगा 2x इक्वल टू 18. x इक्वल टू हमारा जाएगा 9. अब x इक्वल टू 9 को हम यहाँ पुट करेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा x माइनस 4. सो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 माइनस 4. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5. सेकेंड पार्ट, अब हम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं. तो सेकेंड पार्ट हमारा हो जाएगा दे रखा है s माइनस टी दिस इज इक्वल टू 3. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकेंड हमारा है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 दिस इज इक्वल टू 6. एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 2s प्लस 3t बाई 6 इक्वल टू 6. सो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36. ये सेकंड इक्वेशन है. अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में पुट करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या जाएगा यहाँ से फर्स्ट में s इक्वल हो जाएगा 3 प्लस टी. इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे सेकंड में, तो फ्रॉम सेकंड क्या बनेगा हमारा 2 3 प्लस टी प्लस 3 इक्वल टू 36.
थ्री जा सिक्स प्लस टू टी प्लस थ्री टी इक्वल टू 36, सिक्स प्लस फाइव टी इक्वल टू 36, फाइव टी इक्वल टू इसको सिक्स लाके माइनस करेंगे तो आएगा 30, सो टी इक्वल टू आ जाएगा सिक्स। अब टी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो एस इज इक्वल टू जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। ओके नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, हमारे यहाँ पे जो टी है वो 6 है और एस इक्वल टू 9 है। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, इन थर्ड पार्ट इन थर्ड पार्ट यहां दे रखा है 3x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट हमारी वैल्यू क्या आ रही है y की, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 3। सो फ्रॉम सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो जाएगा 9x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। सॉल्व करिए से आएगा 9x माइनस 9 प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 9, 9x 9x कैंसिल सो 9 इक्वल टू 9। ऐसी कंडीशन कब आती है, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है वो कोइंसिडेंट होता है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक को लिख दो क्या आ जाएगा आपका, तो इसका आंसर आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सो वाई इक्वल टू 3x माइनस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, इन फोर्थ पार्ट इन फोर्थ पार्ट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं, इसको 2y 10x प्लस 3y 10y इक्वल टू 13y 10, 10 10 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को क्या हो जाएगा हमारा, ये जाएगा 4y 10x प्लस 5y 10y इक्वल टू 23y 10, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, दिस इज अ फोर्थ पार्ट। अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, तो पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम थर्ड, सो फ्रॉम थर्ड थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ से, इससे 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x, सो y इक्वल टू 13 माइनस 2x बाई 3, इस y की वैल्यू को हम फोर्थ में पुट करेंगे, तो फ्रॉम फोर्थ क्या जाएगा हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, 4x प्लस 5 13 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 23। अब इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या आएगा हमारा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा ये 12x, ये आएगा प्लस 65 माइनस 10 x इक्वल टू, इसका यहाँ करेंगे तो आएगा 69, 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो y हमारा कितना है, y इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू है, y की वैल्यू यहाँ पे 13 माइनस 2x बाई
थ्री, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3, हो जाएगा 13 माइनस 4 बाई 3, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 9/3, 3 3 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया एंड y इक्वल टू क्या आ गया 3। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे, चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो गिवन है √2x + √3y = 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, √3x - −8y = 0, दिस इज सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू सेकेंड से निकालते हैं, हम सेकेंड से वैल्यू निकालते हैं वाई की। तो फ्रॉम सेकेंड क्या है, √3x - √8y इक्वल टू 0, सो √3x = √8y। तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा √8/√3y। इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट √2 इंटू यहाँ आ जाएगा √8y/√3 + √3y = 0। तो अगर एलसीएम लेते तो हमारा आएगा √16y + √9y/√3, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा 4y + 3y = 0, 7y = 0, दिस मीन्स y = 0। अगर वाई 0 है तो एक्स क्या आएगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू हमारा है √8/√3y, और वाई 0 है तो यहाँ हो जाएगा √8/√3 × 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ फिफ्थ पार्ट के अंदर जो वैल्यू एक्स है, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 0 है, वाई की वैल्यू भी क्या है 0। नेक्स्ट हम आते हैं सिक्स्थ पार्ट में, हमारा जो सिक्स्थ पार्ट है हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट। इन सिक्स्थ पार्ट ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है 3x/2 - 5y/3 = −2। सिंप्लीफाई करते था जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 3 9x - 10y/6 = −2, 9x - 10y = −12, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन हमारा है x/2 x/3 + y/2, दिस इज इक्वल टू 13y। यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 2x + 3y/6 = 13y6, 2x + 3y = 13, ये हमारा है सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड वैल्यू निकालते हैं हम y की। तो फ्रॉम सेकंड क्या आ जाएगा हमारा 3y = 13 - 2x, y = 13 - 2x/3। इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट हमारा क्या है 9x - 10y = −12। अब हम y की इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। सो 9x - 10, वाई की ये वैल्यू है 13 - 2x/3, दिस इज इक्वल टू -12, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे। सो 27x - 130 + 20 = −36। तो इन दो, ये 20x है इसको प्लस करेंगे तो आएगा 47x, इसको ऐसे चले जाएंगे तो 130 - 36, 47x = 94, तो हमारा x कितना आ जाएगा 2। अगर हमारा x 2 आ गया तो हम क्या करेंगे,
y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस x की वैल्यू को हम y वाले पार्ट में रखेंगे तो हमारा बन जाएगा जो y की वैल्यू है y इक्वल टू 13 माइनस 2x बाई 3। तो y इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 2 बाई 3, सो y इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 4 बाई 3, हो जाएगा हमारा 9 बाई 3, दिस इज इक्वल टू 3। तो x और y की जो वैल्यू हमारी आई है वो आई है हमारी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। इन क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। और क्या करना है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो पहले हम x और y निकालते हैं x और y। तो क्या करते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन है और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इक्वल टू ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे इस 2x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे फ्रॉम सेकेंड, क्या आएगा हमारा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इस 2x की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। इसको इस साइड लाएंगे तो जाएगा माइनस 7y, दिस इज इक्वल टू माइनस 35, सो y इक्वल टू आ गया 5। इस y की वैल्यू को हम रखते हैं इस इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, 2x इक्वल टू 11 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, सो 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। इस x और y की वैल्यू को जो इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे, जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा क्या है, जो दे रखा है वैल्यू पुट करने के लिए वो हमारा है क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 और m की वैल्यू फाइंड करनी, यानी y इज इक्वल टू दे रखा है एम एक्स प्लस 3। यहाँ पे हमें y की वैल्यू 5 है, m माइनस 2 प्लस 3, इसको इस साइड लाएंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2m माइनस 2m, सो 2 इक्वल टू माइनस 2m, सो m इक्वल टू माइनस 1। ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ m। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये दो क्वेश्चंस होम में दिया हुआ है, इसे आपको अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करना है। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन स्टे इनडोर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।